ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಭಾಷಣವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸತ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಚೊಚ್ಚಲ ಭಾಷಣವನ್ನ ಏನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ और इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओके इवत्तिनिंद केंद्र बजेट अधिवेशन इरो हिन्नेलेयल्लि जंटी अधिवेशनवन्न उद्देशिसि राष्ट्रपति भाषणवन्न माडलिद्दारे अवरिगे ईगागले प्रधानी मोदी सेरिदंते एल्ल सहोद्योगिगळु कूड इल्लि साथ नीडुत्ता इद्दारे ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವ್ರನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಗರಿಗೆದರುತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶಗಳು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ರವಾನೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಶೋತ್ರಗಳು ಇಡೇರಲಿವೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಆಶೋತ್ರಗಳು
माननीय सदस्यगण, संसद के इस समवेत सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके आज़ादी के अमृतकाल में प्रवेश किया है। आज़ादी के इस अमृतकाल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गर्व जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है। अमृतकाल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य की पराकाष्ठा करके दिखाने के, ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए शत प्रतिशत सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्व का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से दो कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्ज्वल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। दो हजार 47 में देश जो इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तो आज़ादी के अमृतकाल की इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसीलिए आज अमृतकाल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को देश के लोगों ने जब पहली बार सेवा का अवसर दिया तब सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ा गया। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के ये कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों को तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे वो इन वर्षों में देश में बनना शुरू हुआ है। आज भारत में ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है जिससे विकसित दिशा में देशों में प्रेरणा ले रही है। बड़े बड़े घटेलों, सरकारी योजनाओं में
भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था वो मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस के चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से के लिए गए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुँच गए। यही वो नींव है जो आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण के आत्मविश्वास को बुलंद करेगी। माननीय सदस्यगण, भगवान बसवेश्वर ने कहा था, कायकोबे कैलाश, अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म में ही सिद्ध। उनके दिखाई मार्ग पर चलते हुए मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य को पूरा करने में तत्परता से जुटी है। आज भारत में एक स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है। आज भारत में गरीबी को स्थायी समाधान और उनके स्थायी सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम करने वाली सरकार है। आज भारत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनकल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। आज भारत में महिलाओं के सामने से हार बाधा को दूर करने वाली सरकार है। आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करने वाली सरकार है। आज भारत में विरासत के संरक्षण के साथ ही आधुनिकता को बढ़ावा देने वाली सरकार है। आज भारत में अपनी वैश्विक भूमिका को लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ने वाली सरकार है। माननीय सदस्यगण, मैं आज इस सत्र के माध्यम से देशवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने लगातार 2 बार एक स्थिर सरकार को चुना है। मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा। नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, LOC से लेकर LAC तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। ओके, ಈಗಾಗಲೇ ಚೊಚ್ಚಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಅದು ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಮಂಡನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ 5ನೇ ಆಯವ್ಯಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆಯವ್ಯಯ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.